हार्ड लगी भी होंगी तो आपके पास ऑप्शन है। कितनी है ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने बोला था ना 11 12 होंगी, 12 13, तो ये हमारे पास 12 हैं। तो आप इसमें से कोई भी दो छोड़ सकते हैं ऑप्शन में से, और बहुत इजी इजी है, मुझे लगता है सारी की सारी आती होंगी, बट सारी अटेम्प्ट नहीं करनी, सिर्फ आपको 10 अटेम्प्ट करनी है एग्जाम में। अभी के लिए आपको सारी पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। मार्क्स देख लेते हैं कितने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का। और हमारा जो ईयर है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आता है हमारा एमएसएन सेकंड, एंड ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, और ये पेपर मैं बहुत मुश्किल से निकाल के लेके आई स्टूडेंट्स सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाँ अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं इंस्टेंटली, लाइक आपने एकदम से सरप्राइजिंगली देखा कि ओ ये सब इस तरीके से क्वेश्चन है तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप उनको कर नहीं सकते। तो इस तरीके से सरप्राइजिंगली जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल में ये सोचते हैं कि आप इनको बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको जरूरत है मेहनत करने की। लेकिन अगर आपके मन में आता है कि इनको मैं देखते ही चुटकी में कर लूंगा, तो आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं और आप इनको रिविजन करने की जरूरत है। थर्ड चीज है, थर्ड जो हमारी सिचुएशन है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड इसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकती, तो आपको क्या करने की जरूरत है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको रिवाइज करना है इन चीजों को और जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन होता है 75 मार्क्स के होते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन पेपर हमारा 75 मार्क्स का होता है और ये हमारा जनवरी 2019 का है। देखेंगे 3 आवर्स का होता है हमारा। सबसे पहले नोट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट पढ़ना। नोट अगर हमने पढ़ लिया तो हम आगे जो भी करेंगे तो उसके हिसाब से ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें। अगर आप इसे पढ़ना भूल गए तो आप बाद में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, लिखना, पेज भरना, ऊपर से इंपॉर्टेंट चीजें लिखना, बहुत सारा प्रेशर होता है। ऊपर से अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी और अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे और वैसा जिसमें इसमें लिखा होगा कि ऐसा नहीं करना, अगर आप वैसा कर देंगे तो आपको क्या है उसमें बहुत लास्ट में स्ट्रेस टेंशन को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको पहले बोल रही हूँ नोट पढ़ना ना भूले किसी भी एग्जाम में। देन आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सबसे पहले क्या दिए गए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनी 10। अब यहाँ पे हमें टोटल कितनी टर्म्स दी गई हैं, जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उसमें से, यानी कि हमें के आई तक दी गई है और हमें यहाँ पे 10 कुछ 12 13 हमें टर्म्स दी गई हैं, और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 इसमें से डिफाइन करना है और कितने कितने मार्क्स की है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से टर्म है। हमारा जो क्वेश्चन ए है वो है हाइपरओपिया। हाइपरओपिया क्या होता है? सेकंड है हमारा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, जो भी इंट्रो है वो आप डिसाइड करेंगे कि ये कितने मार्क्स में है, उस तरीके से इसे डिफाइन करना है और इसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करनी है, ध्यान रखिएगा। एनसेफेलाइटिस सी, एंड डी हमारा मेनोरिया मेनोराइजिया, ई हमारा रेडियोथेरेपी, एफ हमारा पैलिएटिव केयर, देन हमारा आता है ट्राइएज, ट्राइएज डेमेंशिया, सिलिकोसिस, डिफिब्रिलेटर, हीट स्ट्रोक, कैटरेक्ट। और अब इन सब में से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी ऐसा मुश्किल इसमें कोई भी टर्म पूछी गई है, बहुत इजी चीजें पूछी गई हैं। और अगर एक आधी आपको हार्ड लगी भी होंगी तो आपके पास ऑप्शन है। कितनी है ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने बोला था ना 11 12 होंगी, 12 13, तो ये हमारे पास 12 हैं। तो आप इसमें से कोई भी दो छोड़ सकते हैं ऑप्शन में से, और बहुत इजी इजी है, मुझे लगता है सारी की सारी आती होंगी, बट सारी अटेम्प्ट नहीं करनी, सिर्फ आपको 10 अटेम्प्ट करनी है एग्जाम में। अभी के लिए आपको सारी पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। मार्क्स देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स में आया ये हमारा। ये हमारा 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, यानी कि आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा से ज्यादा आपको एक पेज में पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी डेफिनेशन 2 या 3 जितना भी लिख सकते हैं उसका डेफिनेशन लिखना है, और इस तरीके से 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करके 20 मार्क्स यहाँ पे गेन करने हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे 4 पार्ट है,
चार पार्ट है। अब चार पार्ट है, किस हिसाब से इसमें मार्क्स दिए जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ए हमारा, डिफाइन हेड इंजरी। हेड इंजरी को डिफाइन करना है, टाइप ऑफ कंकजन, सॉरी वो ब्रेन इंजरी में भी आता है कंकजन तो, बट हेड इंजरी आपको डिफाइन करनी है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हेड इंजरी, कितने तरीके की हेड इंजरीज होती हैं। लिस्ट डाउन द साइन एंड ऑफ साइंस एंड ऑफ, ये थोड़ा क्वेश्चन बकवास है, मतलब बकवास इन द सेंस थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। लिस्ट डाउन द साइंस एंड, एंड क्या यहाँ पे डायरेक्ट है, साइंस ऑफ द हेड इंजरी, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी, या फिर डायरेक्ट लाइन से साइंस ऑफ द हेड इंजरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ज्यूम कर सकते हो, आपको साइन लिखने हैं, कि ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। सिम्टम्स अलग चीजें होती हैं, साइन अलग होती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा साइन और सिम्टम्स दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी। यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी का हमें यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है, जो भी है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है तो मैनेजमेंट तो आना ही बनता है। तो ये मेरे हिसाब से पूरा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बट फिर भी देख लेते हैं हमारा ये कितने नंबर में बन रहा है। ओ माई गॉड, सबके अलग अलग क्वेश्चन के आंसर है। तो पहला जो हमारा डेफिनेशन है उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर के हिसाब से लिखना है आपको। सेकेंड जो हमारा वो 3 नंबर के हिसाब से लिखना है आपको, टाइप ऑफ हेड इंजरी। देन हमारा थर्ड जो है उसमें भी हमें 3 नंबर ही मिलने वाले हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है, अब आप सोचेंगे यार मैनेजमेंट इतना ज्यादा है और इसका नंबर सात थोड़ा हार्ड भी है, तो इसलिए आपको इसके 7 नंबर मिल गए। अब नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे से सीखनी है कि किसी भी डिजीज में किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए आपको डेफिनेशन आती है लेकिन मैनेजमेंट कैसे लिखें, तो इसके लिए बहुत अच्छा डिस्कशन दिया गया है मेरी जो प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करके क्लासेस हैं, उसमें 1 by 1, तो उसमें से आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और कुछ ऐसी मैनेजमेंट्स होती हैं, बहुत कॉमन मैनेजमेंट्स होती हैं, जो कि आप सभी के सभी में लाइक एक फॉर्मेट की तरह सेट कर सकते हैं। एक फॉर्मेट आप बना लीजिए, कोई भी डिजीज आती है तो उसमें लाइक नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, फार्माकोलॉजिकल मैनेज, इस तरीके से आप सब हेडिंग को ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए और वो हर एक जगह आपको वो लागू हो सकती है और इसमें आपको अच्छे नंबर भी दिला सकते हैं। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इससे लाइटली मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आता है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी हमारा 3 पार्ट में है, डिफाइन डिजास्टर। डिजास्टर मतलब इसमें कोई भी तरीके का डिजास्टर हो सकता है। यहाँ पे आपको डिजास्टर बताना है क्या, एक तरीके का हजार्ड्स होता है, हजार्ड लाइक डिजास्टर लाइक एकदम सरप्राइजिंगली कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक नेचुरल डिजास्टर आते हैं जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सम तरीके का इस तरीके के ये डिजास्टर होते हैं। तो इनको कैसे डिफाइन करना है वो आप सोचिएगा, पढ़ लीजिएगा, मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। बी हमारा राइट डाउन द टाइप ऑफ डिजास्टर। यहाँ पे कई तरीके के डिजास्टर्स होते हैं और आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या लिखना है कि मेडिकल डिजास्टर क्या होते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि लाइक हॉस्पिटल में किस तरीके के डिजास्टर होते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। मैंने इस पर रिसर्च की थी इसलिए मुझे इसमें बहुत मजा आता है, मतलब मैं इसको अच्छे से बता सकती हूँ, बट यहाँ पे ये इतना टाइम नहीं हमें अलाउड करते इस वीडियो कि हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने, ना कि इसमें आंसर। तो अगर आपको चाहिए आंसर तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको बहुत मतलब कई सारे एस्पेक्ट्स बताने हैं कि हम डिजास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं किसी भी देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आ गया, तो अगर आप डिजास्टर वैसे कई तरीके के होते हैं, बहुत किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल से कनेक्ट करके बताना कि क्या होता है डिजास्टर, उसके बाद इसके टाइप कैसे होते हैं, जो भी हॉस्पिटल होते हैं कितने टाइप के होते हैं और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं डिजास्टर को मैनेज करने के, ठीक है। ये हमारा है 2+3+5, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का, डिफिनेशन जो भी है दिनों 2 नंबर में ही आती है। टाइप्स हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे यहाँ पे भी 3 नंबर का और यहाँ पे भी हमारा 3 नंबर का था हेड इंजरी की, तो टाइप हमारा 3 नंबर में आ गया। और मैनेजमेंट हमारा यहाँ हमारा इन्हें 5 नंबर का दिया, 7 नंबर देना था ना भाई, चलो ठीक है, इट्स ओके। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन है 10 नंबर का, थर्ड जो क्वेश्चन है।
उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन ग्लूकोमा। डिफाइन ग्लूकोमा, बी हमारा क्लासिफाई ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है भाई, पता है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी ड्रॉ द नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान आ गया आपका यहाँ पे फॉर द पेशेंट विद ग्लूकोमा। ये हमारे कितने नंबर में, 2+3+5 नंबर में ओनली, बहुत कम नंबर दे रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट प्लान के, नर्सिंग केयर प्लान के। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उतना ही लिखिएगा जितने नंबर दे रहे हैं। आप भी ज्यादा उम्र ये है, अगर कंजूसी भी कर रहे हैं नंबर देने में, तो आप भी कंजूसी करिएगा नर्सिंग केयर प्लान बनाने में। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, मतलब बहुत अच्छी इफेक्टिव पॉइंट लिखिएगा। ऐसा नहीं आपको वहाँ पे लाइक वो दिखानी है क्वांटिटी कितने लिखा हमने, कितने पेज भरे हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। अगर आप थोड़े ही पेज में, एक या दो पेज में भी अच्छे से इफेक्टिव पॉइंट्स लिख सकते हैं, लिखेंगे, तो आपको उसमें डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा 10 नंबर का फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बहुत आता है भाई, होता है, बहुत इजी होता है एक्चुअल में। कि शॉर्ट नोट को हम अपने हिसाब से हेडिंग दे सकते हैं, सब हेडिंग दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन समथिंग। इसमें कोई ऐसा नहीं पूछा कि मैनेजमेंट डालनी है नहीं डालनी, हम डाल भी सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। तो शॉर्ट नोट बहुत अच्छा होता है, इजी होता है, बहुत मार्क्स गेनिंग होता है। शॉर्ट नोट क्या होता है, इसमें से पांच आपको, चार इसमें अटेम्प्ट करने हैं और ये टोटल पांच है। तो सबसे पहला हमारा ए है, हियरिंग एड्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट देना है। बी हमारा मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट, कैसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट को मैनेज करेंगे। सी हमारा मॉनिटरिंग क्रिटिकल इल पेशेंट, जिसे हम टर्मिनल इल भी बोलते हैं, पैलिएटिव केयर भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं इसके। डी हमारा कॉन्ट्रासेप्शन, ई हमारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये हमारे टोटल पांच टाइप हैं, सॉरी पांच क्वेश्चन है, पांच शॉर्ट नोट है, जिसमें से आपको चार अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अभी आपको सारे पढ़ने चाहिए क्योंकि एग्जाम नहीं है ये। तो ये हमारा पांच नंबर का एक है, तो अगर चार अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे यहाँ से। टोटल मिला के हमारा बनता है 75 नंबर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में सब कुछ बता दिया है, कुछ रहता है तो मुझे माफ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई और अनदर क्वारीज है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, लाइक हमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग कमेंट्स मिलेंगे, मतलब मुझे ऐसा होना है कि मेजोरिटी क्या मांगती है उसके रिगार्डिंग कमेंट मिलते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली वो कंटेंट जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।